हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि मैंने छतरी ले ली, गर्मी से तंग आकर मैंने फाइनली छतरी ले ली। बहुत गर्मी हो गई हुई है यहाँ पे, बहुत मौसम चेंज हो गया हुआ है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बहुत गर्मी है आज, गर्मी, रोज़ा रखा हुआ और अब घर जा रहा। बेसिकली आज मेरी वीडियो, एक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है इर्तगाल गाजी, उस पे है। ये जब का ये ड्रामा पाकिस्तान में इन हुआ है, पाकिस्तानियों के माइंड में बहुत ज़्यादा ये आया हुआ है कि ये जो तुर्की हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, ये जहाज में सबसे आगे हैं, ये है वो है, ETC काफ़ी पॉजिटिव लोगों के माइंड में ना चीज़ें बैठी हुई हैं इर्तगाल गाजी को देखने की, देख देख कर। इस टाइम मैं साइप्रस तुर्की में ही हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इस टाइम मैं साइप्रस तुर्की में ही हूँ और जितने ये लोग पत्थर दिल, सख्त दिल, और मैं अब इनकी क्या क्या तारीफें बयान करूं। इतने मगरूर, इतने नकचिड़े, रोज़ा तो इन्होंने रखना नहीं है, शायद ही कोई इनमें हो, 30% कह लें, 20% कह लें, शायद वो थोड़ा सा समझते हों इस्लाम को, इस्लाम के मुताबिक अपनी लाइफ फॉलो कर रहे हों। रमज़ान रोज़ा तो दूर की बात है। रोज़े में ये अपने वर्कर्स के साथ कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं करते, लाइक नॉर्मल, जिस तरह आम नॉर्मल रूटीन्स में होता है उसी तरह ये उनसे काम लेते हैं, कुछ भी उनको बेनिफिट्स नहीं देते, कुछ भी उनको। जो मेरे फ्रेंड्स इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो तुर्की में होंगे इस टाइम, अगर इनमें से अगर मैं कोई बात भी झूठ बोली हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने ये बात झूठ बोली है। हम पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं? नहीं, हम पाकिस्तानी जैसे भी हैं दिल के बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक दूसरे का एहसास करते हैं, मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। अब ये देख लें, मैंने रोज़ा रखा हुआ है तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट हो गए हैं मुझे पैदल चलते चलते, आधा घंटा कोई मैं खड़ा हो गया, लिफ्ट मांगी है लेकिन किसी बंदे ने लिफ्ट नहीं दी। इवन गाड़ियों में अकेले अकेले जा रहे होते हैं लेकिन लिफ्ट नहीं दी इन्होंने। यही अगर मेरा प्यारा पाकिस्तान होता तो वहाँ पर मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या, मुझे 100% अपने पाकिस्तान पे यकीन है कि मुझे ज़रूर लिफ्ट मिलनी थी और मुझे 5 मिनट भी खड़ा नहीं था होना पड़ना। पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है, तो काइंडली ये ड्रामा देखकर अपना कॉन्सेप्ट ख़राब मत करें कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तान की लड़कियां बहुत बुरी हैं, पाकिस्तान के लड़के बहुत बुरे हैं। काम लेते हैं 12-12 घंटे लेते हैं, रोज़े में भी 12-12 घंटे काम लेते हैं और अपने वर्कर्स को 0% ये कोई बेनिफिट देते हों। तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ड्रामा देखकर अपना कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियों के रिलेटेड मत ख़राब करें और तुर्कियों के रिलेटेड इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव कमेंट्स ना सोचें। जो लोग यहाँ पे हैं आप लोग उनसे पूछें कि
क्या इस तरह के ये लोग हैं भी कि नहीं है। बहुत मगरूर इंसान है यहाँ के, बहुत मगरूर लोग हैं यहाँ के। हम पाकिस्तान में रह के हम कहते हैं कि नहीं, हमारे काम वाला जो है, हमारा बॉस जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे है वैसे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे भी हैं रमज़ान का ख्याल रखते हैं, कुछ ना कुछ रमज़ान में बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे 0% बेनिफिट्स हैं। शायद कुछ पुराने सेटल्ड लोग हों जिन्हें थोड़े बहुत बेनिफिट्स देती हों, लेकिन जो बेचारे पार्ट टाइम कर रहे हैं या वैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। इस टाइम 9:30 हो रहे हैं, 8 बजे का मेरा ऑफ हुआ है, और ख़ुद देख लें कि अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, और अभी आधा घंटा और मुझे लग जाने पैदल चलते चलते। जब मुझे लगा कि अब मुझे लिफ्ट नहीं मिलनी, मैंने सोचा पैदल ही चलना चाहिए। तो काइंडली कुछ चीज़ें ड्रामा होती हैं, वो कहते हैं ना ड्रामा, तो उसमें कुछ चीज़ें ड्रामाइज भी होती हैं। सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी नहीं होती। कुछ लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उनको मैं सॉरी करना चाहूँगा। बाकी मुझे लगा कि मुझे तरक्की की हकीकत बतानी चाहिए थोड़ी सी, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रियल में। तुर्की बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, पुरमन सुकून वाला, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मगरूर हैं, बहुत मगरूर हैं, बहुत मगरूर हैं। लविंग भी हैं, लेकिन वही ना, उनकी रेशो बहुत कम है। मोस्टली वेल, अब रोज़ा लगने लग पड़ा है मुझे इतना पैदल चल चल के, तो चलता हूँ अब मैं। काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।